हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा मोल्ड है, बेसिकली यहाँ पे थ्री प्लेट मोल्ड है। थ्री प्लेट मोल्ड आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे देखो आपको किस तरीके से इजेक्शन सिस्टम लगा रखा हो। यहाँ पे डबल इजेक्शन सिस्टम है, एक अलग ये वाला इजेक्शन सिस्टम है, एक आपका ये इजेक्शन सिस्टम है। और ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो है केवीटी से इजेक्टर लगा रखा हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है केवीटी से इजेक्टर लगा रखा हो, मतलब पार्ट जो है केवीटी से इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कोर से तो इजेक्ट हो ही रहा है, लेकिन केवीटी से भी पार्ट इजेक्ट हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में बहुत कुछ चीजें आपको आज सीखने को मिलेगा। प्रॉपर में एक एक चीजें डिटेल में बात करूंगा, कौन सा पार्ट किसका स्टैंडर्ड ले रखा हो, क्या मोल्ड है ये। आपको मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट दिखा रहा था, जो मेरा कॉम्पोनेंट है यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो शैम्पू की बोतल आती है उसकी बोतल का यहाँ पे कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से जो है कॉम्पोनेंट यहाँ पे माउंट हो रही है। ठीक है, ये बोतल है और ये जो है आपके शैम्पू का कैप है, जो बोतल की कैप होती है। तो इसकी आज जो है 4 KVD का हम मोल्ड डिजाइन करने वाले हैं, वो भी पीपी में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखते रहना। जो मेरा ये ऑनलाइन क्लास था, मैं क्लास भी लिया था उसका, ये पार्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको अलग से यूट्यूब के लिए बना दिया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो भी आपकी कैप की बोतल की मोल्ड है, यहाँ पे आप इसको कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को मैं डबल इजेक्शन मेथड से बनाऊंगा। डबल इजेक्शन मेथड से इन द सेंस, ये जो आप ऊपर का चीज देख पा रहे हो, जो मेरा ये वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया है, इसको मैं अलग से निकालूंगा। और यहाँ पे जाम्प मैकेनिज्म है, देख पाओगे यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट पे यहाँ पे जाम्प करके निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है अलग से ग्रूव है, मतलब अंडरकट है, तो यहाँ पे अंडरकट है। और जो पार्ट में यहाँ पे अलग सा एक जो है रिप्स टाइप का एक जो है वो है, जो वाटर लीकेज ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके वजह से यहाँ पे ना मैं कोलाप्सिबल कोड चला सकता हूँ, ना मैं इस केस में लिफ्टर चला सकता हूँ। तो इस तरीके से कंपोनेंट पे आपको जो है डबल इजेक्शन मेथड चलाना पड़ेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इस वीडियो में मैं आपको सारा केस बताऊंगा, डबल इजेक्शन क्या होती है, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है आज? ठीक है, बाकी लोग एब्सेंट है, कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोग हैं आज का जो है, आज का क्या कराऊंगा? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड की हम जो समझते हैं, इसकी जो है थ्री प्लेट की कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहला जो मेरा मोल्ड यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, तो मेरा ये वाला पर्सन जो है मोल्ड पे ओपनिंग करेंगे। ध्यान से यहाँ पे देखना, जो मेरा थ्री प्लेट मोल्ड है, यहाँ पे मैं पार्टिंग लॉन्ग या लाइलन बुश में लगा रखा हूँ। सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे प्लेट खुलेंगे, तो खुलने की वजह ये वाला प्लेट खुलता है। अगर मैं यहाँ पे नाइलन बुश या मैं पार्टिंग लॉक नहीं लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। अगर ये वाला पहले पोर्शन खुलता है, तो मुझे यहाँ पे आकर अलग सा लैस लगाना पड़ता, तो मैं यहाँ पे लैस नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे जो है नाइलन बुश का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा येलो कलर का देख पा रहे हो, या जो ग्रीन कलर का जो ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये मेरा क्या है, ये मेरा को रनर को पुलर पिन यूज कर रखा हो। और जो पुलर पिन है, इसको जो ऊपर से मैं ग्रैप स्क्रू से यहाँ पे लॉक करके रखा हो। ठीक है, और ऊपर से अगर देखूंगा, यहाँ पे जो मेरा बोल्टिंग है, बोल्टिंग को जो है मैं यहाँ पे 8 mm का डिले कर रखा हूँ, क्योंकि मुझे डिले इसलिए करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 mm की लॉक करना है। जो मेरा ये जो प्लेट है, इसको हम बोलते हैं स्टिपर रनर प्लेट, और जो स्टिपर रनर प्लेट है, इसको मुझे यहाँ पे खोलना है 8 mm का। तो 8 mm को खोलने के लिए यहाँ पे मैं जो है 8 mm का रिलीफ ले रखा हूँ, या मैं डिले कर सकता हूँ, या डिले भी बोल सकते हो आप। और इसको जो है पिन, जो इसको रनर को खींचेंगे, इसके लिए जो मैं यहाँ पे ग्रैप्स को कर रखा हूँ। तो सबसे पहला मेरा ओपनिंग होगा ये वाला ओपनिंग। तो ये वाला ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पे देखो, जो मेरा स्क्रू होगा, जो मेरा यहाँ पे फीडिंग सिस्टम है, यहाँ से कंपोनेंट से आपको अलग कर देगा। तो यहाँ में मेरा केवीटी हाउसिंग है, तो केवीटी हाउसिंग से आपको स्क्रू को जो है यहाँ पे अलग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले में आपने क्या करा, जो पहला स्टेज होगा उसमें हमने क्या करा, तो सबसे पहले हम स्क्रू को अलग कर देंगे। तो दूसरा स्टेज जो होगा, सबसे पहला जो स्ट्रोक होगा आपका 140 mm का होगा। ये मैंने कैसे डिसाइड करा, ये मैंने डिसाइड करा, जो मेरा स्क्रू है टोटल लेंथ के ऊपर ये डिसाइड करता है। तो दूसरा जो मेरा यहाँ पे स्ट्रोक है, इसका स्ट्रोक में हम देखते हैं, जो यहाँ पे मेरा दो जो है मैं शोल्डर बोल्ट लगा रखा हूँ। ठीक है, तो शोल्डर बोल्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये जो है देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है लिमिट लगा रखा हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्री लिप दे रखा हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिलीफ लगा रखा हो। ठीक है, तो ये जो रिलीफ है, इस रिलीफ का क्या काम है, ये रिलीफ का ये काम है, जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रोक है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 140 mm स्ट्रोक है, तो 140 mm स्ट्रोक हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये शोल्डर बोल्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिमिट में आ जाएंगे, तो ये आपका जितना भी प्लेट की जो मूवमेंट में दे रखा हो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाएंगे। ध्यान रखना है, जब भी आप थ्री प्लेट मोल्ड बनाते हो, तो आपको गाइड पिलर को ऊपर से डालना होता है, और यहाँ पे जो आपकी केवीटी हाउसिंग होती है, यहाँ पे आपको गाइड बुश का यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर प्लेट वगैरह मैं सारा तरीके से यहाँ पे बना रखा हूँ। ठीक है, तो सेकंड ओपनिंग मेरा ये वाला हो जाएंगे। अब हम अगले वाले आएंगे, जो इजेक्टर है, इसके जो हम केवीटी में इजेक्टर लगा रहे हैं,
इसका काम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम जो है पूरा मोल्ड की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो थर्ड जो ओपनिंग होगा मेरा स्टीपर रनर प्लेट, मतलब ये वाला प्लेट का ओपनिंग होगा। तो इसको मैं ओपनिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, थर्ड ओपनिंग मेरा ये हो गया। देखो थर्ड ओपनिंग के लिए आपको ना यहाँ पे एक लैच लगाना पड़ेगा, जो आपकी केवीडी हाउसिंग है, जो आपकी कोर हाउसिंग है, दोनों बीच में आप चेन के लैच लगा सकते हो या मिसुमी का कोई भी स्टैंडर्ड लैच लगा सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास लाइब्रेरी है, अगर लाइब्रेरी में आपको शेयर कर दूंगा, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करा है उसको मैं लाइब्रेरी देता ही हूँ, ठीक है। तो अगर जिसको भी लाइब्रेरी वगैरह चाहिए तो लाइब्रेरी वगैरह से यहाँ से जो है आपको लैस वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो लैस में क्या काम करेंगे, जैसे आपको जैसे यहाँ पे मैंने कितना करा 120 mm का मैं ओपनिंग रखा हो, तो ये 120 होने में यह लैस जो है इसको रोक देगा, ठीक है। ये ऊपर नहीं जाने देगा, ये ओपनिंग मोल को और होने नहीं देगा, तो इसको ये रोक देगा। जैसे यहाँ पे रोक देगा तो यहाँ पे जो ये सोल्जर बोल्ट है ये प्रेशर क्रिएट करेगा और यहाँ पे एक थ्रस्ट क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे थ्रस्ट क्रिएट होगा, ये जो लाइलन बूस्ट जो यहाँ पे जो आपको फ्रिक्शन बना रखा था, ये फ्रिक्शन लूज कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात और एक ही है कि यहाँ पे जो आप स्प्रू बूस्ट लगा रखो, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं स्टिपर रनर प्लेट यूज करता था वहाँ पे स्प्रू बूस्ट में मैंने यहाँ पे ड्राफ यूज करा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये जो है इजेक्शन हो जाए। तो देख पा रहे हो यहाँ पे जो है मेरे एक तरीके से क्या होगा, फ्री हो गया है। तो ये करना भी बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेज में जैसे मेरा स्टिपर रनर अलग हो गया, तो यहाँ पे जो मेरा रनर है, जो मेरा फीडिंग सिस्टम है, वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि ये क्या कर देगा, जो आपका कैचिंग पिन है उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। ये जैसे स्टिपर चलेगा यहाँ पे 8 mm क्यों चलेगा, क्योंकि 8 mm का हमने स्क्रू का यहाँ पे लॉक दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे 8 mm इसलिए चलेगा क्योंकि हमने 8 mm का रिलीव कर रखा है स्क्रू में, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लाइलन बूस्ट इसको फ्री कर देगा तो 8 mm में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिर जाएगा और जो भी ऑपरेटर होगा इसको खींच के निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसकी थ्री प्लेट की कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम आते हैं इसकी जो है मोल की ऊपर की मोल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पर्सन है इसको मैं हाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब यह हाइट कर देता हूँ तो यह देखो मेरा मोल जो है, ठीक है, यहाँ पे मेरा मोल देख पा रहे, ये जो मेरा येलो एरिया में है ना, येलो एरिया ये मेरा हो गया, क्या हो गया, मशीनिंग एरिया हो गया, मैचिंग एरिया हो गया, ठीक है मेरा। और जो ये जो मैंने ये साइड में कर रखा हूँ इसको मैं रिलीव कर रखा हूँ, क्लियर। और सेंटर में भी मैंने इसको रिलीव कर रखा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मोल को देखते हैं, मोल पे मेरा ये जो है शाफ्ट है, ठीक है, और ये मेरा इनशर्ट है और ये मेरा स्लीव है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मुझे डबल इजेक्शन मेथड चलाना है, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएंगे। और ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैं अलग तरीके से क्या प्लेट एक्सीलेटर लगा रखा हूँ। प्लेट एक्सीलेटर क्या होती है, उसका काम क्या होता है, पूरा मैं डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना। एक एक्सीलेटर अगर यहाँ से आपने मिस कर दिया तो आगे का आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ यहाँ से अगर आपने मिस कर दिया ना तो आपको आगे से कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम इसकी सेक्शनिंग कर देते हैं, ठीक है। मैं जो है केबिली साइड से जो प्लेट का इजेक्टर हो रहा है उसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन काट दे रहा हूँ। अगर आपको हम सेक्शन काट के इधर दिखाए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक सेक्शन काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम जो है इसकी सेक्शन काट दे, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे इजेक्शन सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल इजेक्शन मेथड में बहुत कुछ चीजें आ जाती है आपके पास। तो देखो, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो कंपोनेंट पे सबसे पहला जो इजेक्शन होगा ये नीचे वाला प्लेट होगा। नीचे वाला प्लेट क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाला प्लेट जो होगा आपका नॉकआउट रॉड से कनेक्ट रहता है। नॉकआउट रॉड क्या होता है, जो बॉटम प्लेट में सेंटर पे एक होल होता है ना, वो नॉकआउट रॉड के लिए होल होता है। वहां से आपका क्या करेगा, सीधा जो है यहाँ पे इजेक्टर असेंबली चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इजेक्टर असेंबली होगा, सबसे पहला इजेक्टर असेंबली आपको क्या चलेगा, यहाँ पे ध्यान से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको ऑन कर दिया हूं, ठीक है। तो सबसे पहला इजेक्टर असेंबली ये वाला चला। अब ये इजेक्टर असेंबली कैसे चलेगा, ये जो मैं प्लेट एक्चुएटर दे रखा हूँ ये क्या काम करेगा, मैं वीडियो में इसमें एनिमेशन में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट में देखना, ये जो है ऑलरेडी कैसे चलता है, कैसे काम करेगा, इसकी स्ट्रोक कैसे डिसाइड करना है, पूरा बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, मिस मत करना। यहाँ मिस करोगे तो बहुत कहानी खत्म, आगे समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा यहाँ पे पहला प्लेट की जो इजेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहला जो इजेक्शन होगा ये मेरा 35 mm का मैं यहाँ पे इजेक्शन दे रखा हूँ। मैं जो इसको 30 mm 32 mm में मेरा 32 mm के 33 mm में मेरा इजेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं 35 mm का इजेक्शन कराऊ। तो देखो दोस्तों, ये जो ग्रुप है ना, तो पहला स्ट्रोक में मैं इसके ग्रुप के साथ इसको बाहर निकल के आऊंगा, मेरा स्लीप को, स्लीप भी आएगा यहाँ पे, आपकी शाफ्ट भी आएगा। देखो ये जो स्लीप है, स्लीप कौन सा है, ये जो है स्लीप है, इधर से स्लीप है और नीचे जो है ये आपका शाफ्ट है। तो यहाँ पे पहला इजेक्शन में आपकी शाफ्ट भी आएगा, आपका
स्लिप भी आएगा। अब जो उसकी दूसरा इजेक्शन होगा, देखो एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको इजेक्टर असेंबली दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरा जो इजेक्टर असेंबली है ना, यहाँ पे देखो रेस बटन है, और इसके जो ऊपर वाला इजेक्टर असेंबली, फास्ट इजेक्टर असेंबली है, वो रेस किसके कर रहा है, सेकंड वाला इजेक्टर असेंबली के साथ, और उसके साथ हमने यहाँ पर रेस बटन लगा रखा है। और ध्यान रखना है मेरा जो यहाँ पे प्लेट एक्चुएटर है ये डैमेज ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या रेस्टिंग लेग यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो है मैं लिमिट का यूज कर रहा हूँ, कि यहाँ पे रेस्टिंग लेग ये वाला मेरा रेस्टिंग हो रहा है, और यहाँ पे मैं लिमिट का यूज कर रहा हूँ। ध्यान रखना ये लिमिट का, यहाँ पे मेरा जो इसकी स्ट्रोक है ना, इसका जो मैं स्ट्रोक यूज कर रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक का यूज कर रहा हूँ मैं कितने का, 30 mm का मेरा यहाँ पे स्ट्रोक है, ठीक है। अब ये स्ट्रोक कैसे डिसाइड करते हैं हम, कैसे मतलब स्ट्रोक डिसाइड करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपकी प्लेट एक्चुएटर होता है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखने वाला क्या होता है, ये HM चाहिए और आपको LM चाहिए। LM आपको चाहिए जब आप स्पेसर की हाइट डिसाइड करते हो, तब तो आपको LX चाहिए, और यहाँ पे HX चाहिए। ये होता क्या है, अब मैं कौन सा वाला यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, जिसकी जो है यहाँ पे स्ट्रोक है 32 mm का, और जो आपकी ये डी है आपका 14 mm का है, जी है, और यहाँ पे 12 mm का मुझे स्ट्रोक मिल जाती है हेड की। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मेरा यहाँ पे प्लेट, देखो ये मेरा क्या है, नॉकआउट रॉड है, नॉकआउट रॉड मेरा यहाँ पे हीट कर रहा है। पहला इजेक्शन मेरा कहाँ तक तो होगा, 35 mm के, नहीं बोला आपको मैं, तो 35 mm मेरा पहला यहाँ तक आ जाएगा। सबसे पहले मेरा यहाँ, देखो पहले मेरे कहाँ थे, यहाँ पे थे, तो ये जो है 35 mm यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये ऊपर जाएगा ना, जैसे मेरा नेक्स्ट इजेक्शन है 15 mm का, ये मेरा 15 mm का इजेक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा जैसे इजेक्शन होगा ना, तो ये मेरा क्या होगा, मैं इसको नेक्स्ट इजेक्शन आपको दिखा देता हूँ, फिर पूरा वीडियो में समझा दूंगा आपको। अब देखो अब मेरा नेक्स्ट इजेक्शन हो गया, तो फिर नेक्स्ट इजेक्शन में क्या हुआ, ये मेरा स्लिप चल गया। देखो अब मेरा स्लिप चल गया, तो स्लिप चल गया तो ये देखो ये निकल गया ना, देखो यह मेरा जो है कॉम्पोनेंट यहाँ पे निकल जाएगा। देखो अगर मैं ये वाले पोर्शन को इस इंसर्ट के अंदर चलाता ना, तो ये जो ग्रूव है ना ये डैमेज हो जाता, क्योंकि ये जाम नहीं कर पाता, ये डैमेज हो जाता। इसीलिए मुझे पहला जो स्ट्रोक है, पहले स्ट्रोक में मुझे ये शाफ्ट है और स्लीव है, दोनों को 35 mm ऊपर लाया। उसके बाद जो सेकंड सेकंड स्ट्रोक है, इसमें मेरे ये वाला जो मेरा स्लीव है, मैंने इसको स्लीव को चला के पार्ट को इजेक्ट कर दिया। अब आते हैं ये मैकेनिज्म चलेगा कैसे, मतलब ये जो मैंने प्लेट एक्सट्रैक्टर लगाया ना, ये चलेगा कैसे, तो इसके ऊपर कहानी समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक वीडियो समझना पड़ेगा, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखो किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो पहला इजेक्शन 34 mm का हमारा, ये जो दूसरा वाला इजेक्शन है, तो ये दूसरा वाला इजेक्शन है ना वो 15 mm का है, और यहाँ पे मैंने स्टॉपर वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से यूज कर, देखो किस तरीके से होगा यहाँ पे इजेक्शन। ये मेरा नॉकआउट रॉड है, तो नॉकआउट रॉड क्या करेगा, इधर से पुश करा। देखो पहला इजेक्शन क्या हुआ, यहाँ तक गया मैं, यहाँ तक मैंने कितना mm इजेक्शन मारा, देखो यहाँ तक मैंने गया, यहाँ तक मेरा कितना mm इजेक्शन था, 35 mm का इजेक्शन था, ठीक है। तो नॉकआउट रॉड पहला इजेक्शन, ये जो पहला असेंबली है कितना mm करा था मेरा, मैं 35 mm का इजेक्शन करा। उसके बाद जो ये वाला असेंबली है ना, तो ये वाला जो है मेरा 15 mm का था। तो ये कॉन्सेप्ट है जो है प्लेट एक्सीलेटर का, ठीक है। तो प्लेट एक्सीलेटर आपको कहाँ पे यूज कर, तो कहाँ पे आपको यूज करना है, कि वहां पे डबल इजेक्शन मेथड में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं केबीटी साइज की इजेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मेरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे इजेक्टर वगैरह कहाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो इजेक्टर से आपका काम हो जाता है, फिर भी मैं यहाँ पे 3 इजेक्टर लगा रखा हूँ, क्योंकि मेटेरियल जो है और जो सामान है मुझे ऑर्डर नहीं करना है, मैं जो है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जिसके लिए भी डिजाइन बनाऊंगा। अगर दो चाहिए तो ठीक है, दो ही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देंगे कि आपको अगर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं जो है इसके सेक्शनिंग कर देता हूँ, मैं फिर आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से काम होगा। ये जो है आपकी दोनों प्लेट के बीच में रहेगा, इसको मैं वाई वाला सेक्शन ले लेता हूँ, इसको आपको समझने में इजी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पे सेक्शन पे ले लिया, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो ये इंसर्ट है, ये इंसर्ट जो है कुछ इस तरीके से है। इंसर्ट में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे अलग अलग पिन है, ठीक है। ये जो दो पिन यूज कर रखा है, ये इजेक्टर पिन है, और ये जो आप इंटरसेक्शन रेड कलर के देख रहे हो, बेसिकली ये मेरा स्प्रिंग है, 50% डिफ्लेक्शन वाला स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग प्री कॉम्प्रेस है, मतलब ऑलरेडी कॉम्प्रेस है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और जो ये रेड कलर का देख रहे हो यहाँ पे टेपिंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे टेपिंग होगा तो इसीलिए यहाँ पे रेड कलर पे है, ऑलरेडी मैं जो है इसकी जो थिकनेस के हिसाब से ही इसको डाल रखा हूँ। तो ये पिन है, इस तरीके से ये पिन रहेगा, और पिन जो है यहाँ पे प्रेस रहेगा। ये जो इजेक्टर पिन देख रहे हो, ये इजेक्टर पिन नहीं है, ये वाला इजेक्टर पिन है, ये दो जो है ये दोनों इजेक्टर पिन है। हम किसी भी एक साइड की बात कर लेते हैं, तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ये इजेक्टर पिन है, इजेक्टर पिन को कौन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे ग्रैप स्क्रू से, और यहाँ पे जो स्ट्रोक है ये मेरा स्ट्रोक MM है, ये मेरा स्ट्रोक लेंथ है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रोक लेंथ है। तो
स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे 6 mm है, 6 mm का मेरे यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है मेरा स्ट्रोक लेंथ जो है आप 6 mm का देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे 6 mm का स्ट्रोक लेंथ है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ग्रैप स्क्रू ने स्क्रू को जो है ये पिन को जो है पकड़ रखा है ऊपर से, तो यह जो है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ये लॉक हो रखा है अभी। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है ऊपर से कॉम्प्रेस है बट यहाँ पे दबा नहीं है। इसलिए नहीं दबा है क्योंकि ये जो पिन है ना, 1 2 3 4 टोटल जो 4 पिन है, सिंगल में 0 0 हो रखा है। देखो ये कोर के बीच में यहाँ पे 0 0 हो रखा है। अभी ये जो है कोर के बीच में देखो यहाँ पे पार्ट में ये जो है कोर के ये जो है क्या है रिलीफ एरिया में 0 0 हो रखा है, लेकिन क्या है पूरा प्रेस हो रखा है, यहाँ पे 0 0 हो रखा है। मतलब यहाँ पे अगर टच होगा तो ये प्लेट को दबाने नहीं देगा, स्प्रिंग में जितना भी प्रेशर दे दो आप, ठीक है, ये पिन दबाने नहीं देंगे। जैसे आपकी यहाँ पे कोर केविटी खुलेंगे ना, तो क्या होंगे यहाँ पे ये जो लॉक वाला एरिया है यहाँ पे दबने नहीं देगा ना। जैसे ये प्लेट खुल गए ये नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया तो ये जो आपका इजेक्टर पिन है ना, ये कंपोनेंट को केविटी से इजेक्ट कर देगा। अब कंपोनेंट को केविटी में क्यों इजेक्ट होगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कुछ ये समझ में आ रहा है? अब देखो आपको समझने में इजी हो जाएगा। अब मैं सेक्शन को हटा देता हूँ। कंपोनेंट जो है केविटी में इसलिए चिपक रहा है क्योंकि यहाँ पे केविटी में बॉस है, एक तो ये जो बॉस है ये लॉक करने में काम आता है, यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, राइट। तो ये जो बॉस है ये तो केविटी में फंसेगा क्योंकि कंपोनेंट तो मैंने कोर के हिसाब से तो पूरा प्रॉपर बना दिया, लेकिन केविटी में ये बॉस है, ये जो लाइन से इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये तो केविटी में फंसने का फुल चांस है ना, तो इसको कैसे बनाऊंगा। तो ये जो चीजें है ना, ये जो है इसको पार्ट को केविटी में फंसेगा नहीं, इसको केविटी में हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो ये मैकेनिज्म से आप कोई भी केविटी में कंपोनेंट हो इसको आप जो है आराम से जो है यहाँ पे इजेक्ट कर सकते हो। ये है इसकी प्रॉपर प्रोसेस। इसको भी देखो क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह देता रहता हूँ। बेसिकली ये मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको 10-15 मिनट में एक वीडियो बना के डाल देगी, तो यूट्यूब में इतना लंबा वीडियो बनाता हूँ ना कोई देखते नहीं है, ठीक है। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना होता है ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मोल्ड वगैरह मैं प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा। ये जो मोल्ड है बेसिकली मैन्युफैक्चर होने वाला है, ये मोल्ड जो है आपका लोशन बोतल होता है ना, जो होता है ना हेड एंड शोल्डर का शैम्पू होता है, लोशन बोतल होता है, इसमें जो ये कैप यूज होता है, ठीक है। इसकी पूरा कंप्लीट डिटेल भी बनाऊंगा, 2D वगैरह डिटेल भी बनाऊंगा। ऑलरेडी मैं बहुत सारा मोल्ड बना रखा हूँ, इसका भी डिटेल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था मेरा लास्ट जो मोल्ड मैंने आपको दिखाया था जो मैन्युफैक्चर था, तो इसकी हम सारा 2D डिटेल निकल रखे थे, ये आप देख पा रहे हो। ये जो मेरा जो है ये जो मोल्ड बेस है उसका डिटेल है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 11 मोल्ड है, यहाँ कंपोनेंट वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा सारा चीजें जो यहाँ पे देखो हर एक प्लेट की डिटेल बना रखा हूँ, ठीक है। कितना पॉकेट करना है, देखो यहाँ पे पंच प्लेट का क्या है, तो सब चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में दे रखा हूँ, ठीक है। जिसको भी इसी लेवल पे सीखना है ना तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्लासेस जो होगा हमेशा प्रैक्टिकली क्लासेस होगा, प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर मैं आपको कैप के हिसाब से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे कैप की जो है 11 की डिटेल देख पा रहा हूँ, कैसे यहाँ पे व्हाइट का डिटेल वगैरह मैं दे रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा लेच का डिटेलिंग है, यहाँ पे लेच कितने होने वाला है, यहाँ पे अगर मैं एक एक चीजें हर एक एक चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेंगी, देखो किस तरीके से है। पंच का मैं दिया रखा हूँ यहाँ पे भी एक एक चीजें, कूलिंग का कैसे होगा, सब चीजें यहाँ पे आप देख पाओगे। तो प्रॉपर तरीके से बना रखा हूँ, यहाँ पे देखो मेरा ये कैप है फ्लिपटॉप वाला, तो इसका कैसे डिटेलिंग करना है, तो यहाँ पे सब चीजें आप देख पाओगे प्रॉपर है, कहाँ गियर लगने वाला है, कहाँ पे स्प्रिंग यूज करने वाला है, तो प्रॉपर यहाँ पे एक एक चीजें का यहाँ पे डिटेलिंग बना रहा हूँ। जिसको भी इसी लेवल पे सीखना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ट्रिपलेट मोल्ड की कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, यहाँ पे आपको जो है डबल इजेक्शन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, क्या क्या स्टैंडर्ड पार्ट यूज करना है। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड पार्ट का यूज करूँ, यहाँ पे मैं जो है मिसुमी का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पार्टिंग लॉक बा या जो लाइलन बूश होता है, ग्रैप स्क्रू भी मैं यहाँ पे मिसुमी का यूज कर रहा हूँ, तो मोस्टली यहाँ पे मैं चीजें मिसुमी का यूज करता हूँ। और जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कंपनी जो है कौन सा वाला स्टैंडर्ड मांगते हैं, तो आपको सारा स्टैंडर्ड आपको आना चाहिए कि कल ऐसा ना हो कि आपको मैंने बोला कि ये वाला स्टैंडर्ड यूज करो और आपको जो है आता ही नहीं है। तो आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, सारा स्टैंडर्ड आपको आना चाहिए, कहाँ पे क्या लगाना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही था, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जिसको भी अभी नया वाला बैच स्टार्ट होने वाला है जिसको भी ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन पे आके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।